हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सवेर दीआं मुख खबरां दे विच। आओ लड़ीवार गल करदे आं पंजाब ते दुनिया दीआं मुख वड्डीआं खबरां दी। वीडियो शुरू करन तों पहलां लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहन लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो। तां अज दी पहली वड्डी खबर है जहरीली शराब मामले दे विच 135 होर गिरफ्तारियां, वड्डी मात्रा च नकली शराब भी बरामद। तो दोस्तों पंजाब दे माझा दे विच जहरीली शराब पीण नाल 113 लोकां दी मौत हो गई है। इस मामले दे विच पीड़ितां दी सार लैण लई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिला तरन तारण दा दौरा भी करनगे। इस मामले ते हुण प्रशासन अते सरकार हरकत च आ गए ने। तुहानूं दस दईए कि पुलिस ने 197 नवें मामले दर्ज करके 135 होर लोकां नूं इस मामले दे विच गिरफ्तार कर लिया। हुण तक इस मामले दे विच 1499 FIR दर्ज हो चुकिया ने अते 1034 लोकां दी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले दे विच मुख दोषी राजीव जोशी की दुकान तो 284 ड्रम मैथनोल जब्त की है। तुहानूं दस दईए कि इस तो पहलां भी पुलिस ने इस मामले दे विच 3 मैथनोल ड्रम बरामद किए सन। इस मैथनोल सप्लाई तो बाद ही मौतों का सिलसिला शुरू होया। तुहानूं दस दईए कि पुलिस ने 29422 लीटर नकली शराब ते 582406 किलो लाहण अते 20960 लीटर स्पिरिट भी जब्त किया। इस मामले दे विच 73 होर रेड्स जारी ने अते इह केस होर भी गिरफ्तारियां होण दी उम्मीद है। अगली खबर है कोरोना का कहर, अज पंजाब दे विच 29 लोकां दी मौत ते 894 नवें पॉजिटिव केस। तो दोस्तों पंजाब दे विच कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अज कोरोना वायरस के 894 नवें केस सामने आए ने। सूबे दे विच कोरोना के मरीजों की गिनती 19857 हो गई है। तुहानूं दस दईए कि कोरोना वायरस नाल 29 मौतां होण दी खबर भी सामने आई है, जिस दे नाल पंजाब दे विच कुल कोरोना वायरस तो मरन वालियां दी गिनती 491 तक पहुँच गई है। पंजाब दे विच इक्को दिन विच 29 मौतों तो बाद यह इक्को दिन विच होईयां मौतों का हुण तक का सब तो बड़ा अंकड़ा है। अज लुधियाणा तो 9, पटियाला तो 5, जलंधर तो 4, गुरदासपुर तो 3 मौतां सोईयां ने। अगली खबर है भारत दे विच पूरी दुनिया तो वध केस आए सामने, अमरीका ब्राज़ील नूं भी पिछे पछाड़िया। तो दोस्तों भारत दे विच सब तो ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए ने। अमरीका अते ब्राज़ील नालों भारत विच वधेरे केस दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले दिनी कोरोना के 57282 नवें केस दर्ज किए गए सी ते 904 लोगों की मौत भी हुई सी। तुहानू दस दईए कि पिछले दिन संयुक्त राज 55100 ते ब्राज़ील दे विच 54685 केस दर्ज किए गए सी। करम बार 1306 अते 1322 मौतां होईयां सी। तुहानू दस दईए सेहत मंत्रालय के ताज़ा अंकड़ियां दे अनुसार भारत दे विच कोरोना पीड़ित लोगों की कुल संख्या 19,64,536 हो गई है। इन्हां दे विचों 5,95,000 एक्टिव केस हन, जबकि 13,28,000 तो वध लोग ठीक भी हो चुके ने ते हुण तक 40,699 लोगों ने इस वायरस तो जान भी गवाई है। अगली खबर है IBPS PO 2020 बैंकों के 1100 तो वध असामिया की भर्ती। तो दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग परसनल सिलेक्शन दे 1100 तो वध असामिया कढ़िया जा रही ने। योग ते चाहवान उम्मीदवार इस भर्ती लई 5 अगस्त 2020 तो ऑनलाइन अर्जी दे सकते हैं। IBPS वालों कढ़िया गई असामिया तहत प्रोबेशनरी अफसर दे अहुदे लई उम्मीदवारां दी चोण की जाएगी। तुहानूं दस दईए इस भर्ती लई किसी भी मान्यता प्राप्त यूनीवर्सिटी तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थी अर्जी दे सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र 20 तो 30 साल के विचकार होनी चाहिए है। उम्र 1/8/2020 के आधार पर गिनी जाएगी। अगली खबर है सोना 24 कैरट 56,181 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 72,726 रुपए प्रति किलो। तो दोस्तों कौमांतरी बाजार में मंग तो बाद राष्ट्रीय राजधानी के 24 कैरट सोने दीआं कीमतां 1,335 रुपए के उसाल नाल 56,181 रुपए प्रति 10 ग्राम ते पहुँच गई ने। चांदी ने मजबूत रुझान दर्शाया तो यह 5,972 रुपए के वाधे 72,726 रुपए प्रति किलोग्राम से पहुँच गई है। अगली खबर है RBI ने ब्याज दरां रख्या बरकरार। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रा नीति समीक्षा
ब्याज दरां नूं बरकरार रख्या। गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रा नीति कमेटी मीटिंग बाद विच कहा कि RBI दा रुख उदार रहेगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक सरगर्मियां कमजोर हैं, COVID-19 मामलों के वाधे कारण आर्थिकता विच तेजी दी संभावना सुस्त पै गई ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधियों विच सुधार की शुरुआत हो गई सी, पर कोरोना मामलों के बदन कारण तालाबंदी करन लई मजबूर होना पिया। अगली खबर है चंडीगढ़ विच कोरोना का कहर, 64 नवे केस आए सामने। तो दोस्तों चंडीगढ़ दे विच कोरोना वायरस नाल 64 होर मरीजा पीड़ित होने की पुष्टि हुई है, जिस दौरान कुल मरीजों का अंकड़ा बढ़ के 1,270 तक पहुँच गया। यूटी के सेहत विभाग तो मिली जानकारी के मुताबिक अज आए नवे मरीजों के विचों पिंड बड़ोल के पहलों तो ही पॉजिटिव मरीज 6 परिवारक मैंबर, PGI विच तैनात 2 महिला स्टाफ ते GSCH 32 विच 1 स्टाफ मैंबर शामिल ने। अगली खबर है रजिस्ट्रियां बंद होण कारण लोग होए परेशान। तो दोस्तों पिंडा नूं उजाड़ के बसाए शहर चंडीगढ़ के बकाया रहिंदे पिंड नूं नगर निगम की हद विच आउण तों कुछ समां बाद ही यूटी प्रशासन वल्लों कई इतराज लगाउंदिआं पिंडां दीआं रजिस्ट्रियां बंद कर दित्तीआं गईआं रे, जिस करके वड्डी गिणती विच पिंड वासियां मुश्किलां दा सामना करना पै रिहा। जो कोरोना महामारी दौरान सैक्टर 17 विच स्थित तहसील के बाहर खड़े विखाई दिंदे ने। अगली खबर है ओपन स्कूल विद्यार्थियों का भविख खतरे दे विच। तां दोस्तों नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के विद्यार्थियों 11वीं ते अंडर ग्रैजुएट कोर्सों विच दाखले नहीं मिल रहे, इस कारण विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ती जा रही है। चंडीगढ़ ने इन्हां विद्यार्थियों के दाखले लिए कोई इंतजाम ही नहीं किए ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ NIOPS ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ NIOS ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 12ਵੀਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ, 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ। अगवाकार बस नूं कई किलोमीटर दूर लै गए। बस दे विच सवार कंडक्टर जो अपनी ड्यूटी खत्म करके बस सवार होके घर जा रहा सी, जदों उस नूं बस गलत रूट ते जाण लगी तां उस नूं शक होया। तां उसने बस ड्राइवर तों पुछ पड़ताल कीती तां बस नूं जबरदस्ती रुकवाया। तुरंत इसकी सूचना रोडवेज के उच्च अधिकारी अते पुलिस नूं दित्ती। अगली खबर है भारत नूं हथियारां दी बिक्री वधाउण लई अमरीका पब्बां भार। तो दोस्तों तुहानू दस दिए एक मीडिया रिपोर्ट की मनीए तो अमरीका भारत में हथियारों की बिक्री बढ़ाने लई पब्बां भार है। इन्हां दे विच हथियारबंद ड्रोनों की बिक्री भी शामिल है, जो 1000 पाउंड बाजनी बंब अते मिजाइलां लिजाण दे समर्थ हन। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका नूं इह नवां विचार जून महीने लद्दाख दे विच भारत ते चीन दीआं फौजां दरम्यान होए हिंसक टकराव मगरों आया। पूर्वी लद्दाख की गलवान वादी के होए इस टकराव दौरान 20 भारतीय हथियारबंद फौजियों की जान जाती रही सी। अमरीकी इंटैलीजेंस रिपोर्ट मुताबिक चीन वाले पासे 35 फौजी जवान मारे गए सी। अगली खबर है बैरूत धमाके 100 मौत, 4000 तो वध लोग जख्मी। तो दोस्तों लिबनान की राजधानी बैरूत में मंगलवार शाम को हुए जबरदस्त धमाके शहर की बंदरगाह के बड़े हिस्से के कई इमारतों को काफ़ी नुकसान पुजिया। धमाके करके 100 तो वध लोगों की जान चली गई है अते 4000 तो वध लोग जख्मी हुए हैं। धमाका इन्ना जबरदस्ती कि इसकी आवाज़ कई मीलों तक सुनी अते कई घरां दीआं खिड़कियां दे सीसे तिड़क गए ते लिबनानी राजधानी जमीन कंब उठी। ते दोस्तों ये सी अज सवेर दीआं मुख ते ताज़ा खबरां। तुसीं वीडियो नूं अपने दोस्तां मित्रां नाल अगे शेयर जरूर कर दिया करो ते साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते नाल बने बैल नूं भी दबा दिओ, जिस नाल तुहानूं इसे तरह दीआं आउण वालीआं नवीआं ते ताज़ा खबरां दा सब तों पहलां पता लगदा रहूगा। ते इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आ किसे नैक्सट वीडियो दे विच, तद तक लई धन्नवाद।